इस वीडियो में जानेंगे कि वीवो के वी उन्नीस मोबाइल में ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाता है। तो अगर आपके पास वीवो का वी उन्नीस मोबाइल है और आपके भी मोबाइल का स्क्रीन कुछ इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है, तो आप इस प्रॉब्लम को अपने वीवो वी उन्नीस मोबाइल में दूर कैसे कर सकते हैं। तो वीवो के वी उन्नीस मोबाइल का स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है, तो उसे दूर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का जो सेटिंग्स है, आपको सेटिंग्स में आना है। और सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आने के बाद एक ऑप्शन मिल जाएगा शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आपको एसेसिबिलिटी मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कलर एंड मोशन का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आने के बाद आपको ऊपर जो कलर करेक्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से आपको यूज कलर करेक्शन आपके मोबाइल में ऑन होगा, तो आपको इसे क्लिक करके ऑफ कर देना है। ऑफ कर देने के बाद यहाँ से आपको बैक होना है और एक सेटिंग और कर लेना है। यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है, कलर इन्वर्जन पर आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से भी आपके मोबाइल में यह ऑन होगा, तो आपको इसे क्लिक करके ऑफ कर देना है। दोनों ऑप्शन को ऑन कर दीजिएगा, तो आपका जो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन प्रॉब्लम है वह दूर हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने वीवो के वी उन्नीस मोबाइल में ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।